और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि दिवाली की जो लक्ष्मी पूजा होती है वो कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगी, एकदम विस्तार में तो इतना नहीं बता पाऊंगी, बट थोड़ा बहुत देखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। मैं मेरी फ्रेंड ने मुझे ये साड़ी दी थी मेरी गोद भराई में, सो मैंने सोचा कि नई साड़ी क्यों खरीदूं, इसी साड़ी को आज मैं पहन लूं। हम शुरू करते हैं हमारी पूजा विधि के साथ, चलें। जैसे कि आज दिवाली है और इस तरह से मेरी पूजा होती है, मैं इतना सारा सामान सामग्री इकट्ठा करके अलग अलग तरह से पूजा करती हूँ। धनतेरस की पूजा तो अलग थी और आज है लक्ष्मी पूजन, तो उसके लिए अलग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो थालियाँ हैं, एक मेरी है और एक मेरी मम्मी पापा के लिए है। ये एक्चुअली पोटली बोलते हैं, धन की पोटली, ये करना अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, इसके लिए मैंने ये भी शुरुआत की है पिछले साल से करना, और ये अच्छा होता है करना। अगर आप लोग भी करते हैं तो अच्छा है, दिल से करो। अब हम पूजा कैसे कैसे कर रहे हैं आप देखते रहिए। और मेरी बेटी यहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, बात कर रही है, हंस रही है ना। आज छोटी लक्ष्मी भी है हमारे पास, ये मेरी छोटी लक्ष्मी। कल तो हमने धन्वंतरी भगवान, कुबेर जी और बाकी गणपति लक्ष्मी जी की पूजा की ही थी, लेकिन आज भी हम करेंगे, लेकिन ऐड हुआ है आज कलश की भी पूजा आज हम करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पूजा करने से पहले यहाँ पे ऑलरेडी ज्योति जला दी है, वो जलाना पहले आवश्यक होता है, अच्छा होता है, और उसके बाद ही अपनी पूजा शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मीय नमः, ओम ध्रुव फूल चढ़ाओ, मतलब फूल और ध्रुव चढ़ाओ, तो ये हमने चढ़ा दिया। ठीक है, तो अब ये है भोज पत्र पूरा। अरे यार पंडित री आत्मा बड़ी गिरी आज। तो ये भोज पत्र है। पहले के जमाने में कहा करते हैं कि राजा महाराजा ऐसे ही पत्रों में अपना संदेशा भेजा करते थे, तो ये भोज पत्र हम लाए हैं। इसमें हमें करना है इस तरह से पहले टीका, इस तरह से टीका करेंगे और फिर हम ऐसे पंखुड़ियां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 खिचड़ी हो गई, पर 8 पंखुड़ियां बननी चाहिए, ठीक है, इस तरह। और इसे भी हम यहाँ पे अपने थाली में रख लेंगे। और देखो खील पताशे जरूर रखिएगा अपने प्रसाद में, ये उनको बहुत प्रिय है, और सीताफल उनका बहुत ही प्रिय फल है। सो गाइज, ये है मेरे क्रिस्टल्स जो मैंने मंगाए हैं, और मैं क्रिस्टल्स में बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है, सब है। आज इनकी भी मैं पूजा साथ में ही करूंगी। मेरी छोटी लक्ष्मी माता, ओ मेरी छोटी लक्ष्मी माता।
कहते हैं इतनी किस्मत वाली लड़की ये लो ये पकड़ो पकड़ो मुन्नू पकड़ लिया उसने पैसा नहीं छोड़ेगी वो हर हर महीने मेरे पप्पा से पैसा लेती है ये लड़की जो कल के गिने आज की पूजा दे पूजा करने ये देखिए ये पापा मुझे पैसे दे रहे हैं क्यों क्योंकि कल मैंने इनके घर में पूजा की आज भी मैंने इनके घर में पूजा की तो मुझे बख्शिश दी जा रही है बख्शिश मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे तो हूँ हम ब्राह्मण ही हैं तो अगर आपके घर में पूजा करानी हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा ठीक है इसे भगवान अच्छी लड़की दे ये इसके लिए मनोकामनाएं कर रहा है इसकी सैलरी दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ जाए ये वॉलेट रखा था इसने वॉलेट रखा था वॉलेट उठा है वॉलेट में कितना पैसा है खाली वॉलेट लेके बैठा है इसके लिए रखा था कि भर जाए बट पर सुख शांति लेने आए एक बार सुख शांति लेने आए यहाँ कर जय हो सुख समृद्धि लेने आए रही देखा आज हमारी द्रोही की पहली दिवाली है ना द्रोही ये हमारे घर में सुख और समृद्धि लेके आई है अभी ऐसा लग रहा है कि इसको ना सारे कपड़े ऐसे लग रहे अब भी पहनाने पड़ेंगे मुझे लगता है ये बड़ी होगी 6 महीने वाली फ्रॉक पहनाई आज मैंने इसको बट वो भी है और ये क्यूट से क्लिप भी लगाए मुझे कितना शौक था ऐसा बेटी होगी तो मैं ऐसा सब करूंगी और मेरा आज शौक पूरे हो रहे हैं तो अभी हम जाएंगे मेरी ताई जी के घर पे और ताई जी के घर पे आई है हमारी चाची जी पूरी फैमिली का गेट टुगेदर है इनकी हाँ जो हर दिवाली में होता है हर दिवाली को हमारे घर में गेट टुगेदर होता है 3 फैमिलीज होती हैं वो तीनों साथ में आती हैं पहले वो उस मेरी ताई जी के घर पे जाएंगे फिर हमारे घर पे आएंगे और फिर कल न्यू ईयर के दिन हम 2 फैमिलीज चाची के घर पे जाएंगे सो ऐसे करके हम एक दूसरे घर पे ऐसे इकट्ठा झुंड बना के जाते हैं और बाहर बहुत सारे पटाखे जल रहे हैं सो गाइस मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज पटाखे मत जलाया करो जो वो सुतली बम जलाते ना सुतली जलाओ ना कुछ जलाओ जिससे प्रदूषण होता है वो चीजें हाथी मत लगानी चाहिए हाँ किसी को ऐसे शगुन के लिए जलाना है प्लीज फुलझड़ी जला लो तो प्रदूषण होता है होता है बट पीपल वॉन्ट ना प्रदूषण वाले और जो क्या बोलते उसको आतिशबाजी आतिशबाजी रॉकेट वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है जो फूटता है बट आई डोंट नो व्हाई पीपल बर्न सुतली बॉम्ब जो सिर्फ जलाया फटा उसको पैसा जलाना ही कहते हैं मेरे हिसाब से और वो क्या बोलते हैं सर दर्द दे देता वो क्या बोलते हैं रस्सी बॉम्ब हाँ नहीं नहीं वो थोड़ी लाइन होती लार। है लाल उसको 1000 ये बोलते ना समथिंग वो शादियों में बचती है इतनी सारी तो क्यों मतलब क्या मतलब ऐसे पट 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 कैसे ऐसे तो खड़े रहना पड़ता है ऐसे तो तुम खड़े नहीं रह सकते तो भागना पड़ता है तुम्हें पटाखे से तो पटाखे जलाते क्यों हो है ना सो मैं सपोर्ट नहीं करती पटाखा जलाना तुम जड़ी जला लो एंड प्लीज सेफ रहो एनिमल्स का भी ध्यान रखो बच्चे मेरे मुझे तो पता चल रहा है क्योंकि मेरी बच्ची बेचारी जब बम फटता है इतनी कांपती है ना वो और उड़ जाती है सोते सोते भी तो पकड़ के बैठे रहना पड़ता है उसको मतलब बहुत बुरा लगता है एक्चुअली ऐसा देख के सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं ताई जी के घर पे अभी हमने बहुत पका लिया ठीक है चलिए मैचिंग मिस्टर ये भाग रहा है उसकी तरह वीडियो करो वो भाग रहा है कैमरा देख के भाग गया झांसी की रानी ऐसी तैयार हुई ये ऐसे तैयार हो क्या ये क्योंकि प्लीज कोई मराठी लड़का होगा तो प्लीज आइए बताइए वो मराठी लड़की के लिए तैयार हुई है शादी के सो अगर लड़की पसंद आए तो प्लीज आइए मम्मी पापा भी इधर ही बैठे मम्मी पापा बैठे हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली